छिंदवाड़ा वन विभाग ने दो दिनों में 55 प्रकार की प्रजातियों का सर्वेक्षण किया, जिसमें दो प्रकार की दुर्लभ तितलियां मिली है। सामान्यतः कान्हा पार्क में मिलने वाली दुर्लभ तितलियां अभी छिंदवाड़ा के पातालकोट के जंगलों में दिखाई दी है। पचमढ़ी रिजर्व क्षेत्र के तामिया, पातालकोट, देलाखेड़ी और छिंदी के जंगलों में प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कम होने की वजह से दुर्लभ प्रजाति की लार्ज ओक ब्लू और पेंटेड लेडी तितलियां पहली बार दिखाई दी। यह तितलियां पिछले दिनों कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में मिली थी। छिंदवाड़ा के अलग अलग वन परिक्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कुल 55 प्रकार की प्रजातियां तामिया और अन्य क्षेत्रों में पाई गई। इनमें से पहली बार दो दुर्लभ प्रकार की तितलियों की प्रजाति इन परिक्षेत्रों में मिली है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 12 वॉलंटियर और वन कर्मियों ने दुर्गम क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया, जहां लार्ज ओक ब्लू और पेटेंट लेडी प्रजाति की तितलियां पहली बार मिली है। मूलतः यह तितलियां अन्य परिक्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन पहली बार छिंदवाड़ा में इन तितलियों की आमद पर्यावरण के बेहतर संतुलन का संदेश दे रही है। तामिया के डेम, राजाखो, ग्वालगढ़ पहाड़ी तथा झिंगरिया नेचर ट्रेल सहित 9 ट्रेल्स पर 2 दिनों तक सर्वेक्षण चला है। इस दौरान कुछ दुर्लभ प्रजातियों को भी देखा गया। तितलियों में इन प्रजातियों को बड़ा खास माना जाता है। जैसा कि बताया कि वाइल्ड वॉरियर्स के 3 हमारे एक्सपर्ट थे, जो तितलियों की प्रजाति पहचानने में एक्सपर्ट है, वो आए थे। उन्हीं के नेतृत्व में हमने 3 टीमें गठित की थी, जिसमें यूथ हॉस्टल के 12 वॉलंटियर्स थे और उसके बाद हमारा वन विभाग का अमला था। तो इस प्रकार से हमने 3 टीम में दल गठित करके सर्वेक्षण किया है। कुछ विशिष्ट प्रजाति तितली सर्वेक्षण में अपने यहाँ पे 51 प्रजाति की विभिन्न तितलियाँ मिली है, जिसमें से 2 तितलियाँ है जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत रेयर पाई जाती है, वो पाई है, जिनके नाम है कि लार्ज ओक ब्लू करके एक तितली है और एक पेंटेड लेडी करके तितली है। तो ये तितलियाँ केवल ऐसे जगह पे पाई जाती है जहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस बहुत ही कम हो, ऐसी जगह पे पाई जाती है, तो वो अपने यहाँ तामिया में मिली है। बीसीएन न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत।